और जो भी नए नए व्यूवर देख रहे होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, शेयर कमेंट और करना ना भूलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए बच्चों, मेरे गाइस प्यारे प्यारे, हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले गुजारिश करता हूँ कि जो भी देख रहे हैं शांतिपूर्वक देखिए, अंत तक हमारे वीडियो के साथ बना रहिए ताकि पूरा बढ़िया से समझ लीजिए। आइए कम टू पॉइंट प्यारे, देखिए यहाँ पहले पढ़ा चुके हैं प्यारे कुछ बेसिक नॉलेज के लिए। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्यारे, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर प्लस, प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है जी, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इतना पर ध्यान देना है ना। उसके बाद होता है दाया पक्ष और बाया पक्ष, दाया पक्ष और बाया पक्ष, है ना। देखिए दाया यानी क्या हो गया, बाया यानी क्या होगा, बाया पक्ष आयन हो जाता है दाया पक्ष, क्या होता है दाया पक्ष, है ना। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं एल एच एस, और एन लिखाता है आर एच एस। तो आइए, है ना, इतना कुछ नहीं लिखना है अभी आपको, है ना, साबित नहीं करना है, केवल हम एक्स का मान निकालेंगे, है ना। कैसे भाई, तो देखिए यहाँ चार एक्स है, अब एक्स किस में लगा हुआ है तो तीन में, यानी क्या है तो प्लस में, तो यानी क्या कर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। यानी देखिए अभी इधर आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लेके आ रहा है, ऐसे तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस रहता तो प्लस, ठीक है। अब देखिए चार में से तीन जाता है तो एक, यानी एक का मान एक और एक का मान भी एक है, एक बराबर एक होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा तो सोलह तेरह तीन सोलह हो जाएगा, कितना हो जाएगा सोलह। तो हम समझते होंगे ये सवाल को आप बढ़िया समझ गए होंगे, और परीक्षा में आने पर मेरे प्यारे गाइस आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो अब दूसरा सवाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और देखिए यहाँ दूसरा सवाल का जवाब कैसे हल किया जाता है। देखिए पाँच एक्स है ना, माइनस चार बराबर तीन एक्स प्लस का आठ, ठीक है। अब देखिए एक्स किस में लगा हुआ है तो पाँच एक्स एन ए तीन एक्स, तो तीन एक्स एन ए आ गया, है ना, बराबर एन ए आठ है, एन ए माइनस है चार, तो प्लस में कर दीजिए एन ए माइनस पाँच में से तीन जाइएगा कितना आएगा दो आएगा प्यारे, एन ए कितना हो जाएगा आठ चार के बारह, तो छो दूनी बारह, तो एक्स बराबर छः। तो ये सवाल भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो रहा है कि परीक्षा में आने पर इसको भी आप आसानी से बना लीजिएगा। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने गाइस, है ना, जो नेक्स्ट सवाल है ना, इसको हल, है ना, देखिए कैसे होता है। नेक्स्ट सवाल में यहाँ छो है तो छो एक्स माइनस का यानी चार एक्स कर देंगे प्यारे, बराबर बीस जोड़ आठ कर देंगे, यानी आ जाएगा दो एक्स बराबर का कितना आ जाएगा अट्ठाईस, चौदूनी अट्ठाईस एक्स बराबर चौदह, है ना, आंसर आंसर और या आंसर। तो हम समझते होंगे कि पूरा सवाल आप आसानी समझ गए होंगे, और परीक्षा में आने पर आसानी से बना लीजिएगा। तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसको आप स्वयं हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय।